हेलो हिंदुस्तान, आप और मैं मिलकर कर रहे हैं धप्पा खबर बॉलीवुड पर। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी जैकलीन फर्नांडिस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी द्वारा जैकलीन की 60 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, सूत्रों की अगर बात की जाए तो ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन की 60 करोड़ 12 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। ईडी ने जैकलीन की 60 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति जब्त की है, जिसमें प्रॉपर्टी और एक्सपेंसिव गिफ्ट भी शामिल है, जो कि उन्हें उनके बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर ने दिए थे। इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को, जो कि उनके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने उनको पहले भी डायमंड रिंग देकर प्रपोज भी किया था और उन्हें करोड़ों के गिफ्ट भी देते थे। डायमंड रिंग में जे और एस नाम के अक्षर भी थे। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार, हमारे सूत्रों के अनुसार ये भी सामने आ रहा है कि सुकेश ने ना सिर्फ जैकलीन को बल्कि जैकलीन के परिवार वालों को भी मोटी रकम दी थी, 7.12 करोड़ की, और FD भी थी जैकलीन के नाम। सुकेश काफ़ी समय से जेल में भी हैं और उसी मामले की जांच ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी कर रही है। ईडी ने 4 अप्रैल को धोखाधड़ी के केस में सुकेश की गिरफ्तारी भी की। जब जैकलीन का नाम सुकेश के मामले में सामने आया तो उनको कई बार ईडी के सामने पेश भी होना पड़ा। जैकलीन के अलावा इस केस में नौरा फतेह का भी नाम सामने आया था, जिन्हें सुकेश की बीवी ने महंगी कार गिफ्ट की थी। कुछ टाइम पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि जैकलीन और सुकेश की पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे ये पता लग गया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी क्लोज है। इसी के बाद जैकलीन काफ़ी टाइम तक सोशल मीडिया से इनएक्टिव भी हो गई थी और बाद में उन्होंने उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की थी। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके बताना। हर न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें, धन्यवाद।